हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेंडिंग टॉपिक वर्ल्ड। दोस्तों, अगर आप पानी के नीचे, नदी के नीचे सफ़र करना चाहते हैं तो हो जाइए तैयार। भारत में पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन टर्मिनल टनल बनकर हो गया है तैयार। 9 लाख लोग रोज़ करेंगे सफ़र अंडर वाटर मेट्रो टनल। इस मेट्रो का निर्माण 2 फेज़ में किया जा रहा है। कोलकाता मेट्रो का ईस्ट वेस्ट प्रोजेक्ट करीब 16 किलोमीटर लंबा है, जो सॉल्ट लेक स्टेडियम से हावड़ा मैदान तक फैला है। अगर आप नदी के नीचे रेल की यात्रा करना चाहते हैं तो अब जल्द ही आपकी ये इच्छा पूरी होने जा रही है। कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन KMRC अपने ईस्ट वेस्ट प्रोजेक्ट को जल्द ही पूरा करने जा रहा है। ये टनल कोलकाता के हावड़ा से जोड़ेगा। अंडर वाटर मेट्रो टनल बनकर तैयार हो चुका है, इसमें ट्रैक बिछाने का काम भी जोरों शोरों पर जारी है। बताया जा रहा है कि ये पूरा प्रोजेक्ट मार्च 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। ये टनल कोलकाता की हुगली नदी के नीचे बनाई गई है। इस मेट्रो का निर्माण 2 फेज में किया जा रहा है। कोलकाता मेट्रो का ईस्ट वेस्ट प्रोजेक्ट करीब 16 किलोमीटर लंबा है, जो सॉल्ट लेक स्टेडियम से हावड़ा मैदान तक फैला है। पहला फेज सॉल्ट लेक सेक्टर 5 से सॉल्ट लेक स्टेडियम के बीच 5.5 किलोमीटर लंबा है, यानी 5.5 किलोमीटर लंबा है। इस लाइन पर करुणामय सेंट्रल पार्क, सिटी सेंटर और बंगाल केमिकल मेट्रो स्टेशन मौजूद हैं। इस पर ट्रैक बिछाने का काम भी शुरू हो चुका है। दूसरा फेज अंडरग्राउंड मेट्रो का 11 किलोमीटर लंबा है। इस सुरंग को बनाने में रूस और थाईलैंड के विशेषज्ञों से सलाह ली गई। वहीं सुरंग के पानी का रिसाव रोकने के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। इसे पानी का रिसाव से बचाने के लिए 3 स्तर के सुरक्षा कवच बनाए गए हैं। इस सुरंग में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मेट्रो ट्रेन दौड़ पाएगी। इस प्रोजेक्ट पर 2009 से काम चल रहा है। मौजूदा रेल मंत्री पीयूष गोयल के कार्यकाल में भी ये काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। उम्मीद की जा रही है कि 21 में ये काम पूरा हो जाएगा। अप और डाउन लाइन पर यहाँ 2 सुरंगें बनाई जा रही हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस ट्रेन में सफ़र करना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए। और ये रोचक जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।